हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मैं सोनिया सतानी तापसाना का घना स्वागत करूं। हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन जोगरदा के हरियाणा में तक खबर की शुरुआत करांगे आज की बड़ी और अहम खबर की गिला। बड़ी खबर सारे दर्शक आता बता दें जो किस टाइम चंडीगढ़ दशा में आने लाग रही है। शराब घोटाले पर नील विज का बयान शाम आया है। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की मूवमेंट का वेरा लाग गया। उन्हें न्यू भी कहा से कि 7 मई 2020 ने एससीटी का गठन करा गया। और आपने बता दिया कि एससीटी ने 31 जुलाई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। आपने न्यू भी जानकारी दे दिया। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव तक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। स्टेट विजिलेंस ने मामले की जांच खातर आदेश दिए। तहम खबर आपने बताने लाग रहे थे शराब घोटाले पर अनिल विज लगातार सख्त नजर आने लाग रहे। उन्होंने कहा से एससीटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने स्टेट विजिलेंस ने मामले में जांच के निर्देश दे दिए से। शराब घोटाले की जांच स्टेट विजिलेंस करेगी। तया अहम बात अनिल विज की ओर तक कही गई से। इसके गिला कया से 7 मई 2020 ने एससीटी का गठन करा गया था। स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन करा गया था और एससीटी ने 31 जुलाई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव तक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले कई दिनों तक लगातार सरकार तक कई मामले पर सवाल पूछने लाग रहे हैं और इससे बीच उन्हें विधानसभा के मानसून सत्र पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई से पहले हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में न्यू तय हुआ था कि सदन में जरूरी बिल पेश करे जाएंगे, लेकिन सदन के भीतर सत्ता पक्ष ने इसके विपरीत गैर जरूरी बिल सदन के सामने रखे, जिसकी वजह से जरूरी बिल सदन में पेश नहीं हो पाए। इसके साथ ही उन्हें एक के बाद एक कोरे घोटाला खातर मौजूदा सरकार जिम्मेदार ठहराई। उन्होंने कहा कि सरकार घोटाला ने रोकने की बजाय उन्हें दबाण मला करी से। फैसला ये हुआ था कि जो हाई कोर्ट में जिसका जवाब देना है, हाई कोर्ट ने जो टाइम बाउंड कर रखे हैं या और कोई जरूरी बिल को लेके आए, बाकी बात बीएसी ने करते अंदर हाउस में वो फैसले पे कायम नहीं रहे और जो ना जरूरी बिल थे वो भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिसे ने किया हर घोटाले को इन्होंने वो करने का प्रयास किया, दबाने का काम किया। धान के बारे में भी आपको याद होगा, असेंबली में कहा गया कि धान का कोई घोटाला नहीं, बाद में कैसे घोटाला निकला, आप कैसे निकले भाई। असेंबली में कहा गया फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई है, कोई घोटाला नहीं। इसी प्रकार से किलोमीटर स्कीम का घोटाला। तनुन्ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जो एक्साइज जो विभाग में जिस तरीके से फेरबदल करा गया है या फिर एक्साइज पॉलिसी में जो बदलाव करा गया उससे घना फायदा हुआ है। अन्यू भी कहा कि हमने इस पर सख्ती तक काम करा है जिसकी वजह से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। और कई ऐसा है कि अगर इसमें घोटाला हुआ होता तो राजस्व में बढ़ोतरी क्यों कर होती। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है घोटाला के नाला ने जवाब मिला से दूसरे राज्य के मुकाबले हरियाणा में घना कलेक्शन हुआ। इस मौके पर उन्होंने एक्साइज विभाग के अधिकारियों की जमकर तारीफ करी है। हमारा टारगेट था कि हम इस एक्साइज ईयर के अंदर पिछले वर्षों के मुताबिक लगभग 1100 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू लाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि जहां ट्रांसपोर्टेशन पूरी तौर पर बंद है, ऑफिसेज रेस्टोरेंट्स भी पर्याप्त एफिशिएंसी के साथ नहीं चल रहे, उसके बावजूद भी लगभग 262.98 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आना, मुझे लगता है कि जो लोग बारी बारी इसको घोटाला नाम दे रहे थे उनको मैं तथ्यों के साथ आज बता पाऊंगा कि प्रदेश सरकार गंभीर है और किसी भी तरह का इलिसिट ट्रेड प्रदेश के अंदर हम सहने का काम नहीं करेंगे।
एडिशनल कोटे का जो 50% का मार्क है, अगर वो पूरी तौर पर फिलअप हो जाता है तो उसको भी हमें एडिशनली इंक्रीज करना पड़ सकता है। ये जो खपत की बात है, ये लोग शराब पी रहे हैं, ये तो एडिशनल कोटा देना पड़ रहा है। मैं तो आपसे एक चीज आपके सवाल का जवाब दे दूं, लोग बारी बारी घोटाला कह रहे हैं, अगर घोटाला हुआ होता तो क्या एडिशनल आपका स्टॉक बिकता? पिछले वर्षों के कंपैरेटिव इतना इंक्रीज आपको दिखता? केवल मात्र शक्ति है, और उस शक्ति से कहीं ना कहीं कई लोग दुखी हैं, और जो लोग दुखी हैं उनको कहीं ना कहीं उनका दुख ये अच्छा लगता है। और सरकारी विभाग तक आए दिन न्यारे न्यारे घोटाले शामी आने लग रहे हैं। तो न्यू एक हिस्सा घोटाला कुरुक्षेत्र तक शामी आया है। जीएसटी घोटाले की आड़ हम बात करने लग रहे हैं, जिसमें अलग अलग नामा की फर्मा तक खरीद फरोख्त करके फर्जीवाड़ा करके जीएसटी के नाम पर सरकार के करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया है। लॉकडाउन में शराब माफिया पर मेहरबान रहे नाले आरोपों वाले कराधान विभाग के जुड़वा भाई आबकारी विभाग का इबताई का कुरुक्षेत्र जिले का सबसे बड़ा जीएसटी घोटाला शामी आया है, जिसकी रिपोर्ट भी आला अधिकारियों के दौरे जमा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के 67 करोड़ तक गणे का जीएसटी चूना लगाया है, जिसकी अगर गहन पड़ताल करी जाता है राशि इससे भी कई गुणा अधिक हो जाएगी। हालांकि इस घोटाले की रिपोर्ट जुलाई 2019 में आला अधिकारियों के दौरे जमा हो चुकी थी, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी विभाग के आला अधिकारी रिपोर्ट पर कुंडली मारे बैठे हैं। In this case, the inspection was conducted, was ordered by the Joint Commissioner Ambala Range, and now the proper officer of the ward is looking into the case, and action will be taken as per provisions of GST Act and the rules, that will be taken. है स्कूल में पढ़ावे है ना जाना कितने सारे ख्वाब भी सजावे है, लेकिन गुआना के बरोदा ते किसी खबर शामी आई से जिसने देखे है। आप नू कहोगे कि आज के कलयुग में किस ढाड़ते अपनी औलाद माँ बाप क्यों कर से तम ढाते नजर आवे है, ऐसा ही कुछ इस खबर में देखने ना मिला सा आपने भी दिखावा देखो। इस माँ के शब्द में जिन लोगों का जिक्र आया था वह कोई और नहीं था बल्कि वो बेटा था, जो इस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में पाया, जो इस माँ ने अपने पैरा पर खड़ा होने लायक बनाया। और यह वाह बहू से जिसने यह माँ अपनी बेटी समझकर अपने घर में लेकर आई। आज इस बहू और इस छोरे ने या माँ इतनी लाचार कर दी, अक ना तो इनका दौरे रहने खातर घर से और ना ही खान खातर दो टाइम के दो टुक से। अगर की मैं सहत वो से 8 साल का वो दर्द जिसने या माँ चुपचाप सहती आई। कोई भी माँ अपनी औलाद के रोन की आवाज सुनते ही इतनी परेशान हो जाते है कि वो लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। लेकिन आज उस माँ ने वो ही बेटा नु कहने लाग रहा था कि इब्बत ने मेरा रूप देखा ही नहीं, और क्योंकि वैसे बस चंद जमीन के टुकड़े और पैसा खातर और कलयुगी औलाद ने माँ गत बार काट दी। आज तो मतलब रहने का कोई ठिकाना नहीं, नहीं बोले है। यह लाचार माँ गुआला के बरोदा गांव की है, कहने तो 75 साल की है, और इस माँ के 5 बेटे और 4 बहू हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कहने खातर है बेटे बहू हैं, 4 बेटे और 3 बहू है पहले आए इन्हें छोड़कर जा लिए। जिस बेटे इस बहु दुरे रेण लाग रही थी उन्हें भी इस माँ ते धक्की दे दी और घर से बाहर काट दी। इतना ही नहीं, कलयुगी औलाद ने इस माँ ते जान ते मारने की धमकी भी दी। ये मारन पिटने की जान ते मारने की धमकी कौन दे आपते? ये जीव आज दी से या हाँ आज मारा ली बड़ा छोरा दे से। इस लाचार माँ ने बताया था कि बीते 8 साल से इसकी औलाद इसकी गेला मार पीट करने लग रही है, लेकिन बाड़का की गांव राम में और किते मोहल्ले में पाने में बदनामी ना हो जा खातरिया माँ 8 साल तक इनके दिए हुए चोट के दर्द ने सहती आई और चुप रहती रही। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं आपको? मेरे तो मन तो बेटा 8-9 साल
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਹੈ अजब इस माँ के सहन की हिम्मत टूट गई तो इंसाफ की गुहार लगान खातर यामा बरोदा थाने में पहुंची। अजब तीन बार भी बरोदा थाने में सुनवाई को न हुई तो यामा गुहार लगान ताई सोनीपत के डीसी दौरे पहुंची। डीसी साहब से मिलने आए हो? किससे मिलने आए हो? डीसी साहब और जो बरोदा थाने में वो दी थी कम्प्लेंट, उस पर कुछ कार्रवाई हुई? आपने क्या कम्प्लेंट दे रही? अच्छा, क्या कहा थाने वाले? कुछ नहीं कहते, रहते भी नहीं। जायदाद के लालच में औलाद तय अपनी माँ पर सितम ढाई रही है, लेकिन कानून के रखवाले ने भी इस माँ की कोई फरियाद नहीं सुनी। अगर टाइम रहते पुलिस सही कार्रवाई करती तो शायद इस माँ पे इतना जुल्म ना होता। हरियाणा न्यूज खातर बरोदा से सुनील जिंदल की रिपोर्ट से। साल 2020 की शुरुआत से किसान घने परेशान घने लाचार नजर आ रहे हैं। ऊपर तो कोरोना की मार भी किसानों का ऊपर पड़न लाग रही है, लेकिन एक राहत की खबर बताने लाग रही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 10 और जो कि एक नई किस्म ईजाद करी है, जिसकी न केवल पैदावार बहुत अच्छी होगी बल्कि यह बीमारी रोधी भी है। इसमें 9 किस्म भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल और गेहूं की एक किस्म चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने ईजाद करी है। इसने लेकर भारतीय गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान करनाल में अखिल भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधानकर्ता की 59वीं कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों तक गेहूं और जोत जुड़े हुए विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। मारी कोशिश होगी कि हर किसान तक यो बीज पहुंचे, उनका न्यू भी कहना से इससे आने वाले टाइम में किसानों की आय दोगुनी हो सके। से जो कि एक ऐसी किस्म हमने इस बार निर्धारित की है, DWRB 182 जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे एकदम खरी उतरती है और अंतर्राष्ट्रीय मानक में जिस किस्म का चाहिए होता है उस सारी किस्मों का गुणवत्ता इस किस्म में है, यानी बीटा ग्लूकैन, जिससे कि बियर बहुत उच्च श्रेणी की बनती है और इसकी और भी खासियतें बहुत माल्ट के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मेरे ख्याल से किसानों को एक वरदान होगा और उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अतिरिक्त आय इस किस्म को लगाने से प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे इस खास बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से बने रही हो हरियाणा न्यूज की गिल्ला। राम राम।